उसने नई गाड़ी थी अच्छी खासी है, देखो तबाह कर इसने पूरा ये डेरा कर कल्टस भी दिया ना साथ, वो देख कल्टस कल्टस भी गई 50 टैक्स मिला के 3000 रुपए की एक प्लेट बिरयानी। तो ये नजर नहीं आता था हमें, असल में आ गई है नजर। अस्सलाम वालेकुम तो भाई और उनकी प्यारी प्यारी बहनों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग फुल चौकस होंगे जिधर भी होंगे। तो यार सबसे पहले आप लोगों को दिल की अथाह ग्राहियों से ईद मुबारक। तेरा जी अभी हम निकले थे इस्लामाबाद जाना है, हमने कड़ी जगह थी सैदपुर विलेज, ठीक है सैदपुर विलेज हमने जाना है। अभी घर से निकले थे तो ये मार्गल्ला हाईवे खड़े हैं सामने, देखो आपको गोल्डन मैन भी नजर आएगा उधर जाके, थोड़ा उसके साथ शोर मेरा लगाते हैं, हेलो आए करते हैं उसके साथ। बाबा जी इसके पास हम क्या जा रहे थे तो उसके पास इतनी एक आवाम खड़ी होगी जैसे इन्होंने कभी गोल्डन मैन को देखा ही नहीं है। आवाम देखो उस भाई का एक गिला है आवाम से, कहते हैं जी इतने इधर से इतनी गाड़ियां गुजरती है, इतनी गाड़ियां तस्वीरें वगैरह खींच लेते हैं, बाद में बदतमीजी करते हैं। यार पाकिस्तान की जाहिल आवाम है, देखो तस्वीरें वगैरह खिंचा के शुगर मेला लगा के उसके बाद गाड़ियां वगैरह देते हैं, बदतमीजी करते हैं, फ्लाट ये वो। यार कोई बंदा कदर करता है, कोई इंसानियत होती है बंदे के अंदर। यार जी अब तो हमारा क्या जुर्म है, मैं जाता हूँ गाड़ी के अंदर बैठू, मुझे अपनी गाड़ी बुला रही है मैं जा रहा हूँ, आपको मिलते हैं सैदपुर विलेज जाके। बाबा जी इधर रास्ते में आ रहे थे, इधर एक होगी है गाड़ी डल्स कार के, पता नहीं कहाँ पे बजी है कहाँ पे नहीं हुई है। देखो रश आज देख रहे हो आगे, आपको दिखाते हैं सीन पार्ट, वो सामने खम्बा देख रहे हो उधर आवाम शवाम की इकट्ठी हुई भी है। अल्लाह पाक जाए ऐसे ही अल्लाह पाक ने बचा लिया होगा पति पर गाड़ी को, उसने नई गाड़ी थी अच्छी खासी, देखो तबाह कर इसने पूरा ये कल्टस भी दिया ना, वो देख कल्टस कल्टस भी गई, इसको बचाते बचाते मेरे ख्याल दी होगी, वो देखो उसकी पट्टियां छट्टियां लगी हुई है लड़के को। बाकी ये यार आराम से चलाया करो गाड़ी, बंदा आराम से चलाता है, 120 तो नॉर्मल है यार, ऐसा बताओ यार इसे चावल बताओ, नॉर्मल है यार, अच्छा बात नहीं है 60 बहुत तेज स्पीड है 60। अच्छा तो ये है कि बंदा आराम से चलाता है गाड़ी, अन्नों की तरह नहीं चलाता, ठीक है अपने माँ प्यो का ख्याल किया करो, इधर अपनी जिंदगी का ख्याल नहीं है। तो जो तुम्हें इतनी मेहनत मुशक्कत कर के पालते हैं यार आप सारा, ये जो आप इनको समझा रहे हैं ना मैं अमल करता हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अमल करता हूँ। बाकी मैं बता रहा था कि जो आपके घर वाले आपको पालते हैं ना, ठीक है कि आप जब वो बूढ़े होंगे तो आप उनका सारा बनोगे, तो मेहरबानी किया करो उनका वाकई सारा बना करो, उनके ऊपर टेंशन ना बना करो, ठीक है ना, आराम सुकून से चलाया करो। स्पीकर सुनैर शाह, थैंक यू सो मच यार। अच्छा तो मैं काम था, मेरी बात को कोका ना करें यार, सॉरी सारा बना रहे थे आपको। तो यही है कि माँ प्यो के पैसे भी आराम ना करें कुछ ज्यादा, आप लोगों के पास पैसा आ गया जो मॉम डैड होती है ना बिगड़ी उलादे हैं, वो इस तरह के काम करते हैं, ड्रिफ्टिंग वगैरह फ्लाट कहाँ, ये हमारी गाड़ी तो ड्रिफ्ट भी नहीं मारती ना, ना इन्हें मारनी आती है, फजूल काम करने नहीं है, मारने भाई बहुत कुछ आता है समझा करो। अरे कहना क्या चाहते हो चवल क्या मारोगे आप बताओ, अब आप समझाओ इन्हें, ये जैसे गाड़ी जा रही है ऐसी जा रही है, गाड़ी दे फिर मैं ड्रिफ्ट मारूंगा, ये ऊंची गाड़ी है इसमें ड्रिफ्ट नहीं लगती यार, ये उलट जाएगी, अभी 2 मिनट पहले मुझे अपनी जिंदगी प्यारी है। बाकी आप लोग देखा करो ठीक है ना, और लाइक सब्सक्राइब भी लाजमी होता है ठीक है, फर्ज समझ के ना अंगूठे मार दिया करो, तुम्हारे अंगूठे नहीं टूटेंगे, टूट गए किस दिन तो मुझे बताना, आगे मैं हॉस्पिटल ले जाऊंगा। मेरा बाबा जी इस्लामाबाद आ गए, किस गन में आ गए, तकरीबन हमें 15 से 20 मिनट हो गए ये इधर ही खड़े हैं, पता नहीं आगे क्या सीन है, केड़ा इशारा, वो इशारा एक चाल भी नहीं रहा, वो देखो इशारा चाल नहीं रहा, बंद पड़े हैं इशारे भी, पता नहीं किसके लिए इधर हम खड़े हैं, ना ये गाड़ियां चल रही हैं ना हमें जाने दे रहे हैं, क्या सिर गोल है पता नहीं, तू किधर लेकर आ गए, मैं लेकर आया हूं तेरी पसंदीदा जगह में जा रहे हैं, मैं तो इधर आते ही ना देखना, ये यकीन मानो ये बंदा कह रहा था कि बहुत प्यारी जगह जुनरे, बहुत प्यारी जगह उधर हम गए हैं जुनरे, बहुत प्यारी, आप देखें मुंह पे मुकरते ही, तूने नहीं कहा बड़ी प्यारी जगह, मुझे क्या कह रहा है इसकी जुबान नहीं है, एक नंबर है मेरे मुंह से और सुनेंगे ये।
तुम सही कह रहे हो, तुम सही कह रहे हो। बहुत ज्यादा झूठ बोल, शॉर्ट लाइन के चक्करों में ना भावे तुमने अलग आप साथ। ये बाबा जी लड़के को हमने भेजा है, क्या सीन बताने, वो आए तो करते हैं कोई सीन। हाँ बच्चे, वो कह रहे वापस जाओ यार। क्या शक्लें हमारी फिट है, वो कह रहे हैं कि आप लोगों को तो जाने दे, मगर बाकी लोग ना नहीं, लोग इतराज करते हैं। क्या हमारे में ऐसा क्या जो लोग इतराज करते हैं, वो हमारे साथ ऐसा नहीं है। हसना जी क्या क्या सुनने को मिला, सेलिब्रिटी आते हैं तो रश बहुत होता है। अच्छा निकल जी, रश देखो खाली यहाँ पे, ओ पीछे पीछे देख रहे हो रश, किधर किधर ट्रैफिक आ रही है, इधर कार हो गया। बाबा जी वो दमने को का रास्ता ना पूरा बंद किया था, अभी देखो गाड़ी में बैठ रहे हैं तो तोन के कोई रास्ता खुला है, हमने तो स्ट्रेट आगे फॉरवर्ड जाना ना, बिल्कुल सीधा सीधा रास्ता खोल दिया इन्होंने, नहीं तो मैं कुछ और ही किसी खोलने वाला था। ये मीटर आउट हो गया था, देखिए बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लगता है चाय में कवर डाल दिया है। बाबा जी आखिरकार हम सही ख्वार होने के बाद पहुंच गए अपनी लोकेशन पे, ये सामने आगे लोकेशन है, गाड़ी अभी पार्क की है, गाड़ी भी पार्क करने की जगह नहीं थी, हमें कोई 15-20 मिनट खाली गाड़ी पार्क करते करते लग गया, जगह ढूंढते ढूंढते के किधर पार्क करें किधर पार्क करें। अभी जाते हैं आपको लोकेशन पहुंच के वहाँ पे जगह दिखाते हैं। तो हेरा जी ये जो हमारी लोकेशन है ये उसके बाहर से ये लोग है, ये फूल झूल लगे हुए हैं यहाँ पे, अभी जाके देखते हैं क्या निज़ाम है अंदर क्या नहीं है, मैं खुद इधर पहली बार आ रहा हूँ। बाबा जी ये एंट्रेंस है, यही जगह है तब से इस जगह के लिए तूने फार कराया है, इधर आए इधर कोई सीन लगा है, फोटो शूट जा रहे हैं, देखो दूल्हा बाहर खड़ा है, अंदर कोई इसकी दुल्हन खड़ी है, वो देखो वो दुल्हन भी अंदर है, अंदर फोटो शूट जा रहे हैं, पता नहीं हमारी कब शादी होगी, हमारी कब होगी, तब से अंदर फोटो शूट होते हैं, अंदर सामने फोटो शूट हो रहा है, कैमरामैन आए, ऐसा नहीं शादी कदू असी ने जी, इधर कोई शादी का झूठ नहीं चाह रहे हैं, सारी इधर मॉडलिंग हो रही है, वो देखो एक ये कपल खड़ा है ठीक है, एक वहाँ पे कपल खड़ा है, तो एक ये इधर अंदर वो सामने खड़ा है, देख रहे हो कपल शपक केड़ा टिकटॉक सामने वाइट कर, ओए होए होए टिकटॉकर की शक्ल ये ऐसी है कि मैं ये मिनी व्लॉग्स बनाता है टिकटॉक पर, करा हुआ मॉडलिंग आ रहे थे तो ये करें मॉडलिंग, जरा तुझे करनी चाहिए, इसने डोला दिखा डोला दिखा, ओह माय गॉड कपड़े उतार के दिखा, कपड़े उतार के डोले दिखा आपने, फ्लैट हो जाएंगे सारे, फ्लैट कह रहा है मंदिर में जाना, सामने मंदिर घंटा मार गया, जा मंदिर मंदिर पे इधर के सीन ऐसे हैं, उस गेट से हमें घुसने नहीं देते जो फ्रंट वाला गेट है, इधर से खाली उन आवाम को घुसने देते हैं जिन्होंने बैठ के इधर खर्चा करना है खाना पीना है, हम जैसे खुशको कहते हैं बार बार से, अभी उधर से आए थे ना वो कहते हैं सामने से, और सामने से आए वो कहते हैं भाई इधर खर्चा लगेगा खाना पीना, तो आप कुछ करो, हम 2-2-4-5 चलो ऊपर जाते हैं देखते हैं कहाँ बैठेंगे कहाँ का सीन है। तापसा जी इधर तो कोई नहीं है, जिधर तुम आए थे वो जगह कोई और है, नहीं जी बाबा जी कोई इधर चश वगैरह नहीं है, ऐ भी आए हैं कोई मोल छोल नहीं है इधर, बाबा जी इधर आ तो गए हैं, देखो 1-2-3-4-5 ये 4% की सर्विंग है और 8,000 मतलब 9-1,000 रुपये, बाबा जी यहाँ से उठना बेहतर समझते हैं हम, जब कार के निकले अभी बैठो इस सब का सवाल है, बैठो इधर से अभी हम चुप कार के पोला से निकलेंगे, किसी को कानो कान खबर नहीं आने देंगे, हमारी जेबें इतनी भारी नहीं है जितना यार, उनसे कह जा फिर भाई से कह इधर चाट की दुकान खोले यार, ओए साजिद भाई को कह नहीं रहा चाट की दुकान खोले यहाँ के, वो बाजार पे ले जाएगा, यकीन मानो इधर सोना बिला इधर चाट भी मेरे ख्याल कुछ 600 रुपए की होगी, हम 150 ले हैं ठीक है, क्या पता इधर, ये देखो मैं खड़ा होकर देख रहा हूं अभी ऑर्डर देंगे कभी नहीं देंगे, चाहिए नहीं खोली जाती, चुप चुप पुकार मेरा अच्छा, वो ऊपर हम बाबा जी 100-150 की चाट खाते हैं, इधर तो चाट भी इतने की नहीं होगी, 150 की चाट हम टच लाते हैं, चलो यार टाइम जाए ना, हां कह रहे हैं एक प्लेट दाल है, एक प्लेट दाल है, कौन सी दाल है, दाल माश 150 रुपए की बिस्मिल्लाह से लेके खाते हैं, यकीन माने मैं तो ये एक कप चाय 400 रुपए की, हम घर जा रहे हैं जा सकते हैं भाई इधर हम खाने के, ये यूरोप से मैं तो ये खोला डाल दिया
आज हमारा पास फुल है, रिजर्वेशन स्पेस नहीं आज के लिए। अच्छा, मतलब हम चले जाएं? आपकी मर्जी है। तो मैंने नहीं, तो हम इतनी दूर से जो आए हैं चले जाएं फिर। 3000 रुपए की, 3000 का पेट्रोल डाला है हमने। ये देखो ना प्राइस, देखो जरा रेट देखो। हाँ दिखाएं दिखाएं। सर मैं आपको बता रहा हूँ पुलाव। असल में भाई आपका फूड व्लॉगर है, फूड टेस्ट करके बताएगा। देखें मैं तो फ्री में जाके खाना खाता हूँ, आप मुझसे 1500-1500 रुपए के दाल दे रहे हैं। एक प्लेट बिरयानी 2450 टैक्स मिला के 3000 रुपए। टैक्स मिला के 3000 रुपए की एक प्लेट बिरयानी, तो मतलब पांच बंदे हैं, पांच ये 15000 रुपए की पांच बिरयानी। ओए उठो उठो। ओए तुम लोग 1000 रुपए के चिकन ले लो, मैं घर में मांग देता हूं। यकीन मानो 500 रुपए का चिकन ले ना, 500 रुपए के चावल ले, तो हम 10 दिनों तक 10 बंदे खाते हैं। या ओए खान ने तस्वीरें वगैरह यहां पे फोटो शूट करते हैं, फिर और बात करते हैं। तो एरा जी वो सामने जगह है, ठीक है, जिधर हम गए थे 3000 रुपए की एक बिरयानी की प्लेट थी। चुप कार के हम वहाँ से उठे हैं, चुप कार के किसी को हमने पता भी नहीं लगने दिया, ऐसे गायब हुए हैं वहाँ से। देखते नहीं यार किधर गए हैं, कोई पांच एक बंदे हैं थे, क्या सीन है भाई। अभी ना भाई आपका ना कभी कभी होता था पेंटर, वो देख रहे हो मेरा आर्ट, वो सामने पड़ा हुआ है। ये असल में बना नहीं, इसकी शक्ल थी, बांध वो गई है। व्यू चेक करें आप, छोड़े हाँ क्या चाह रहे हो। ये खाली आएगा, तस्वीरें बनाओ, सबर मैं इसकी तस्वीरें बना के आपको मिलता हूँ। जी उधर से हम बिरयानी खा के आ गए, 3000 रुपए की पार प्लेट, बड़े मजे की थी। बताओ तापशाह जी कितने मजे की बिरयानी थी, खाई तो थी लेकिन तस्वीर भी अपलोड करना व्लॉग में। केड़ी बिरयानी खाई थी, आप आए यहाँ पे विजिट करें, हैरान हो तो बात कीजिएगा, हैरान परेशान होंगे, भूखे लौट के जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह भूखे लौट के जा रहे हैं वापस। पानी भी नहीं पूछा, पानी भी नहीं पूछा, वो भी मेरे ख्याल कोई 450 रुपए की चाय, 450 रुपए की जो हमें मुफ्त में बना के देती थी। अभी जाएंगे अपनी जगह पे, ठीक है, महफिल जाएंगे उधर जाके प्लेटर खाएंगे, बड़ा चंगे वाला उधर जाके आपको मॉल दिखाएंगे। जी इधर हमें एक लोकेशन मिली है तस्वीरों के लिए, हमने खाली इधर तस्वीरें खिंचानी है, ये जगह बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये इधर खाली तस्वीरें खिंचाएंगे, उसके बाद घर घर पे। तेरा जी हमें वो जगह कुछ ज्यादा रास नहीं आई, हम आ गए फैसल मस्जिद। ये सामने फैसल मस्जिद है, ये हमारे क्यों नहीं आई उधर, ये देख समझ मैं हूँ, मेरे साथ ही मैं हूँ, ऐसी बात नहीं है भाई, बहुत है। यरा जी चलते हैं फैसल मस्जिद के अंदर, जाके कुछ देखते हैं क्या सीन है। मगरिब का टाइम हो गया, नमाज भी पढ़ेंगे फैसल मस्जिद में, मस्जिद की नमाज भी मगरिब भी पढ़ लेंगे, उसके बाद निकलते हैं घर को। घर को ओ सामने मस्जिद, जाके अंदर जाके आपको व्यू दिखाते हैं। यरा जी हम फैसल मस्जिद पहुंच चुके हैं, ठीक है, व्यू बहुत अच्छा है, पर आवाम भी इतनी आई हुई है, पता नहीं नमाज तो उन्होंने पढ़नी नहीं होती, खाली आती है शुगर मेले के लिए। यकीन माने जो वीकेंड्स होते हैं ना, वीकेंड में जगह फैमिली के लिए नहीं है, ये जगह खाली जो छड़े हैं ना वो आते हैं, चवलियाँ मारते हैं, यहाँ पे धूल जा का गंद होता है, ठीक है, वो आते हैं, इस वजह से फैमिली शैमिली यहाँ पे ना आए वीकेंड्स में। ये देखो आगे माशाल्लाह मस्जिद इतनी प्यारी लग रही है, पर ये गंद भी देखो ना कितना आया हुआ है। देखो बाइकें खाली, देखो बाइकें कितनी है, ये देखो आवाम देखो कितनी है, इधर ना है फैमिली शैमिली कोई ना है, ठीक है, खाली हम जैसे छड़े लोग आज वो अपना शुगर मेला लगाए जो उन्होंने लगाने हैं, उसके बाद निकले यहाँ से। अगर भाई को किसी की लग गई नज़र, ये लगे हुए थे ना आप, इनको हमने बताया था हॉलीडेज में ना आए, तो यहाँ पे लोग ना नज़र लगाते हैं, इनको नज़र लगी है, पड़ते लगी हैं नीचे, कुछ ना कुछ तो हुआ है इनके साथ। ब्लॉगर भाई क्या हुआ आपके साथ, क्या हुआ दिखाया ना, दिखाए थोड़ा शोर दिखाए, नजर लग गई है, क्या देखना चाह रहे हो तुम जो दिखा रहे हो, ये नजर नहीं आता था हमें, असल में लग गई है नजर। अच्छा बात ऐसी है ना, नजर लगी नहीं है, नजर पड़ गई है किसी पे तो गिर गई, समझ रहे हो, समझ रहे हो, हर किसी पे नजर डाल रहे थे। हाँ जी अरे जी तो मुझे पता है यहाँ पे पीपीओ की वहाँ व्लॉग तो देख रही होगी, ठीक है, तो उनसे सखर किस्म का गेला है, अहमद से, सबात से, रुस्तम से, सफीर से, भट साहब से। ईद ख़त्म होने को है और ये बंदे कोई भी आपस में मेले शेले नहीं है, जो बस्ती वाले थे वो बस्ती में मिल गए हैं, सफीर है, सफीर है, भट है और सबात लोग हैं, ये आपस में मिल गए हैं, ये इधर मिलने नहीं आए, ना रुस्तम से, ना मुझ से, ना अहमद से, खैर मैं तो किसी से नहीं मिला, ठीक है, ना रुस्तम भी शायद किसी से नहीं मिला होगा, ये उनसे पक्का गेला है, उन्हें ये यूनिवर्सिटी के दोस्त हैं, ये यूनिवर्सिटी तक है, बाहर इनका कोई अता पता, अल्लाह माफ़ करे, कोई किसी को जानते ही नहीं है, ना कोई है ना कोई, ना कहा शट अप। अच्छा तो सफीर और ताहज, तो सफीर और भट साहब जो है ना वो खाला को लेके पहुंचे थे माल अव्वा, ठीक है, स्नैपे तो हमने देख ली थी, तो
तो खाला से याद है, ये उनकी खाला नहीं है, मतलब हमारी क्लास फेलो है, ठीक है। उसका इंट्रोडक्शन तो कराया हुआ नहीं है, खैर हमारे ग्रुप की मेंबर है, ठीक है, क्लास फेलो है, उसको हम खाला खाला बोलते हैं। सीन उसका ये है कि हमारी क्विज, हमारे असाइनमेंट्स, हमारे प्रोजेक्ट सारे वो बनाती है, हमारी प्रॉक्सियाँ भी सारी उसी के हाथ में, हालांकि वो ना सी आर है ना जी आर है, वो सी आर आपका भाई इधर, खैर एक्स सी आर है। तो सीन ये, वो मिल गए ठीक है, वो तीन बंदे आपस में मिले शिले हैं ठीक है, उनसे भी गिले हैं, उनसे जाके यूनिवर्सिटी में मारेंगे बादशाह। अच्छा ये मुझे जो खाला ने बताया था कि इनकी बेइज्जती करनी है, खाला ने कहा था कि इनको तुन के रखना है, ये मिले नहीं हो तुम लोग, ना तुम लोगों ने आपस में व्लॉग बनाया ना कुछ, ना कहा, तो इनको तुन के रखना है। मैंने कहा ठीक हो गया जी, अब यूनिवर्सिटी जाएंगे फिर उनके साथ करेंगे, फिलहाल तो घर जाते हैं, उधर जाके मिलते हैं। बाबा जी इस्लामाबाद से मुड़ के हम आ गए अपने इलाके में, ये हमारी जो है बिस्मिल्लाह होटल, इधर हम सुनेंगे उसके बाद खाना पीना कार के सीधा घर को जाएंगे। यकीन माने हालत बुरी होगी है, सिर्फ फुहार हुए हैं, फुहार के अलावा कुछ नहीं हुआ। रश देखो उधर भी सही रश लगा हुआ है, रोटी सोटी खाएंगे और बात हो गई। तो बाबा जी बिस्मिल्लाह में बैठे थे, खाना जाना हमारा आ गया, देखें फाइट चढ़ाई है, जानवर हमारा शुरू है, जिंदा थी तो उधर 9000 की थी, इधर मरी भी दे रहे हैं 2000 की है। सही बात है, उधर जिधर हम गए थे ना उधर क्या रेट था कढ़ाई का? 9000 रुपया तकरीबन, टैक्स वगैरह मिला के 9500 बन जाता है। तो सोना 2000 रुपये में खाओ, तुम तुन के खाओ जितना मर्जी है खाओ, जंगलियों का देखो जंगलियों जितना मर्जी रोटी शोटी खाते हैं, पेट पूजा पेट फिर काम दूजा, मिलते हैं आपको पेट पूजा के बाद। मेरा जी कल हम रात को खाना खा के रोटी शोटी खा के घर आ गए थे, ठीक है। तो अभी अगला दिन है तो ब्लॉग एंड नहीं किया था, अभी आगे पैसे ले लाए थे, उधर हमने कहा ब्लॉग एंड कर ले, इधर नज़ारे देख ले आप, निज़ाम चौक का सूहा पड़ा हुआ है यहाँ पे, चेक करें, बारिश भी हुई है, मौसम भी अच्छा है, उस मौसम के साथ अगर ऐसी चीज़ें मिल जाए ना तो क्या ही बात है। तो जहाँ भी हम करते हैं ब्लॉग को खत्म, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।